शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अबे रोशनी, मुझे ना कुछ कुछ दिख रहा है। श्रद्धा, श्रद्धा को गोली लगी थी और वो खून में लथपथ मेरी बाहों में थी। मैं उसे उठा के भाग रहा था, मुझे ना धुंधला सब कुछ याद आने लगा वापस, और उन सब में श्रद्धा है। अभय, अभय मेरी तरफ देखो। अभय, श्रद्धा ठीक हो जाएगी। अभय, अभय। श्रद्धा, श्रद्धा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। श्रद्धा, श्रद्धा। अभय ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं, ये बाजी ऐसे नहीं पलट सकती। अभय को उसका गुजरा हुआ कल ऐसे याद नहीं आ सकता। नहीं, मैं उसे श्रद्धा के पास वापिस जाने नहीं दे सकती। श्रद्धा, हम हमेशा से जुड़े हैं, हमारी सांसें साथ हैं, हमारी किस्मत की लकीरें एक साथ बंधी हैं। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। श्रद्धा होश में आओ, श्रद्धा, श्रद्धा होश में आओ। तुम्हें मेरे लिए होश में आना होगा श्रद्धा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभय की याददाश्त वापस नहीं आने दूंगी। श्रद्धा, श्रद्धा प्लीज। क्या किया आपने? ये मेरे पेशेंट है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले इनकी तबीयत और खराब हो जाए मैंने नीम का इंजेक्शन दिया। आप श्रद्धा को संभालिए, मैं अभय को संभाल लूंगी। हाँ अभय, जिस तरह तुम्हारे करीब आया दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभय की याददाश्त वापस आने ही नहीं दूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी श्रद्धा। कुछ नहीं हो सकता श्रद्धा को। कहाँ है अभय? कहाँ छिपा रखा है आप लोगों ने? हमें पता है, पुलिस हिरासत से भागकर वो घर ही वापस आया होगा। भगोड़ा नहीं है हमारा अभय, उसके पास बहुत बड़ी वजह थी इसलिए वो यहाँ आया। तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए निकला है वो यहाँ से। किसी ने श्रद्धा को जहर देके उसकी जान लेने की कोशिश की है। क्या? किसने? वो तो पता नहीं चला है बेटा, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर देख रहे हैं। हे भगवान, क्या हो गया हमारे बेटे को? अरे हम, क्या हो गया अभय को? अभी तक तो ठीक थे। वो इनके सर में ना बहुत दर्द हो रहा था और बहुत परेशान हो गए थे, तो मैंने नीम का इंजेक्शन दे दिया। आप टेंशन मत लीजिए, ये होश में आ जाएगा, सब ठीक है। अभय को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं ना आप? हमें पता है, आप सबकी मिली भगत है ये, हम सब समझ रहे। और आप लोगों को क्या लगा कि ये देख कर बस कीर्ति? अरे कभी तो अपनी पुलिस गिरी झाड़ना बंद करो, इस परिवार के बारे में सोचो। ये तुम्हारा अपना परिवार है। अरे ये क्यों सोचेगी, मेडल के सामने इसे अपना परिवार देखना कब का बंद हो गया है। तुम अभय को गिरफ्तार करना चाहती हो ना? ठीक, आओ कर लो इसे गिरफ्तार, आओ करो इसे गिरफ्तार।
अपने होश में आ जाए तब, और दोबारा हमारे बेटे या हमारे परिवार पे लांछन लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। डॉक्टर, श्रद्धा कैसी अब? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जब तक होश नहीं आता मैं कुछ कह नहीं सकती। आप इनका ध्यान रखिए और जैसे ही होश आता है मुझे इन्फॉर्म करिए। मैं चलती हूँ। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, जितनी बेरहमी से किसी ने तो अर्जा, लेकिन क्यों? श्रद्धा, श्रद्धा मैं माफ कर दूं, क्योंकि गुस्से में तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना। श्रद्धा, हम भी जाके सबको बताते। तुम्हारी सांसें रोककर अभय के साथ मेरी नई जिंदगी सांसें ले पाएगी। बाय बाय श्रद्धा। श्रद्धा, हर बार वही सपना, जैसे श्रद्धा की जान खतरे। श्रद्धा वो है कैसी? कैसे मैं तुम्हें जीने दे सकती हूँ श्रद्धा? अपनी आंखों के सामने तुम्हें अभय को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। श्रद्धा, अभय देखो ना, श्रद्धा को होश आ रहा है, वो देखो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, शायद इसीलिए उसने अपने हाथ से ऑक्सीजन मास्क निकाला था। श्रद्धा तुम उठने लगी, मैं हूँ ना, तुम्हें सिर्फ आराम करना अभी। क्या हुआ? सुना नहीं, मैं आ गया हूँ ना। क्या दर्द हो रहा है? श्रद्धा की मौत का प्लान भले ही चौपट हो गया, पर अभय को बचा के उसे हमेशा के लिए अपना बनाने की बाजी मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। हमारी मेहनत खाली नहीं गई है सर, हम यहाँ अभय को बस पकड़ने ही आए थे, उसे लेकर आ ही रहे। एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, मेरा भरोसा तो तुम पे पहले उठ गया था जब तुमने अपने देवर को पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी, इसलिए इस बार मुजरिम को मैं खुद अपने साथ ले जाऊंगा। अनुजी, हम अपने इकलौते बेटे को कैसे बचाएं? तनुजा जी धीरे रखें, फिलहाल हमें अभय को पुलिस के हवाले करने पड़ेगा, उसके बाद वकील साहब से बात करते। सर वो अंदर ही है, हम लेकर आते। एक मिनट, ऐसे भी कितने पार्टी
ये देखिए सर, मुजरिम खुद ही चलकर आ गया, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। एक मिनट एसपी साहब, अभय के लिए वो जो सबूत थे वो कहाँ गए? जो सबूत कीर्ति ने अभय के लिए इकट्ठा किए हैं वो गलत है, क्योंकि असली मुजरिम अभय नहीं है। असली मुजरिम एएसपी कीर्ति त्रिपाठी के पति वरुण त्रिपाठी है। रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इस बार मेरे पास वरुण के खिलाफ सबूत है। अभय को बचाने के लिए तुम हमारे पति को फंसाना चाहती हो ना? अरे झूठे हैं ये सबूत। क्या सच है और क्या झूठ, ये फैसला कानून करेगा। ये सारे सबूत अभय के, और इसे कैसे साबित होता है कि ये सब वरुण जी का है? झूठ। अपने पति को बचाने के लिए अपनी वर्दी के साथ धोखा करोगी तुम? हम धोखा नहीं कर रहे, हमारे पास अभय के खिलाफ साफ साफ सबूत है कि ये सब चोरियां अभय ने की है। अरे उसने तो अपने आप को बचाने के लिए कमिश्नर सर पे गोली भी चलाई, इसी वजह से वो कोमा में है। कमिश्नर सर कोमा से बाहर आ चुका है और उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। अभय त्रिपाठी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये काम कर रहा था, वो कमिश्नर सर के खास एजेंट बनकर बब्बर शेर गैंग में शामिल हुए ताकि हम बब्बर शेर गैंग के सरगना तक पहुंच सके। वरुण जी, हम सब जानते हैं आप कि आपने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है। हमारी मदद करने के लिए मजबूरी में आपने गलत रास्ता भी चुना, लेकिन अब आपके पास मौका है अपनी इस गलती का पश्चाताप करने का। यह एक मौका है आपके पास वरुण जी। वरुण त्रिपाठी उर्फ बब्बर शेर गैंग के सरगना, तुम्हें शहर भर में चोरियां करने और कमिश्नर सर पर गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ले चलिए ऑफिसर। तुम नहीं कीर्ति त्रिपाठी, अब तुम्हें किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। कीर्ति त्रिपाठी, यह रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। कीर्ति त्रिपाठी, अपने पति वरुण त्रिपाठी को बचाने के लिए ना सिर्फ तुमने अपने वर्दी से गद्दारी की बल्कि कानून को भी गुमराह किया है, इसीलिए तुम पर अब इंक्वायरी बैठेगी
हमने पूरे बब्बर श्री गैंग को तो पकड़ ही लिया था। उनका छोटा बॉस राजा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब आखिर में बब्बर शेर गैंग का सरगना भी हमारे चंगुल में आ ही गया। वरुण त्रिपाठी, यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं 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 नहीं, हमारे बेटे वरुण ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो सबसे शरीफ है ना, उनके पास अच्छी नौकरी भी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। दर्जी संभालिए खुद को बस। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। तुम्हारा गुनहगार मैं, अगर इसमें किसी की गलती तो मेरी। भाई साहब के जाने के बाद हम सबका बोझ तुमने अपने इन जवान कंधों पर ले लिया बेटा, और तुझे रास्ता चुनने पर मुझे कह देता मैं अपनी दुकान बेच देता। कीर्ति, कीर्ति आप कुछ कर क्यों नहीं रही? हमारे बेटे आपके पति को आपके ही पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके जा रहे। रोकिए ना इन्हें, रोकिए ना। ले चलो इसे। नहीं 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 नहीं, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। कीर्ति भाभी ने तो सब कुछ जानकर भी पूरा इरादा कर लिया था अभय भैया को फंसाने के लिए, पर आपने मेरे अभय भैया को फिर से बचा लिया। नहीं तो किसी की गलत गवाही की वजह से आज भैया जेल में सजा काट रहे होते। थैंक यू बेटा। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया तो कैसे करूं। अब नहीं नहीं अंकल जी, इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है, अभय के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आज अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है, पुलिस के लिए काम कर, समाज के लिए तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल ले चुके थे। अब तो इस बात की हैरानी हो रही है कि आज अभय अपने भाई को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गया। शांति, यही चाहती थी ना आप कि हमारा बेटा वरुण जेल चला जाए? हमसे सवाल करने से बेहतर ये होगा भाभी कि आप अपनी बहू से पूछिए कि अपने पति के बारे में इतनी बड़ी बात उसने हम सबसे क्यों छुपाई। पूछिए उसे कि हमारे बेटे को उसने क्यों फंसाया। रुजा, हम आपसे पूछना चाहते कि आपकी ममता इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। आपके बेटे के इलाज के लिए हमारा बेटा इस रास्ते पे उतरा है। दो साल, पूरे दो साल अभय कोमा में थे, दोनों घर का खर्चा पूरी तरह वरुण ने संभाला है। आप तो ऐसे बोल रही हैं भाभी जैसे हमने ही वरुण को मजबूर किया कि वो चोरी करे, जाए दूसरों का घर बर्बाद करे ताकि हमारा घर बच सके। अरे हमारा बेटा इतने दिनों से इसीलिए ठीक नहीं हो पाया है क्योंकि इस घर में इतने कलेश होते हैं। भाभी, वरुण के चोरी किए हुए पैसों की हाय लगी हम सबको। तनुजा, आप इस वंश के बारे में ऐसा मत बोलिए। उससे भले ही गलती हुई है लेकिन वो गुनहगार नहीं है। तुम क्या बीच में बोल रही हो, तुम तो खुद अभय को फंसाना चाहती थी। बस करिए अपना ये तमाशा। और एक बात आप याद रखिएगा, आज जो हुआ है ना
वो हम कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उसके लिए आपको कभी माफ करेंगे। और आज के बाद हमारा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। ताई जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती की सजा पूरे परिवार को मत दीजिए प्लीज। अबे, तुम्हें इन लोगों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों के साथ रिश्ता तो हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जब ये सब मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और आज चोर इन्हीं के घर से निकला। भगवान जाने हमारे घर में कितनी चोरियां करते रहे इन लोग। तनुजा, अगर एक और शब्द आपने बोला ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। माफ कीजिए भाभी, लेकिन आपकी बहू को जो बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं, सोना मिलता है, हीरे मिलते हैं, वो सब इस नौकरी में और मामूली सी तनख्वाह में तो मुमकिन है ही नहीं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को जो भी बोलना था आप सब बोल चुके। अब जवाब देने की बारी हमारी है। चलिए मां। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये परिवार से नहीं टूट सकता। क्या बात तुम्हें आई? बेशरम हो तुम। तुम्हारा इस परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है तो तपाओ यहाँ से। पहले एक बार अभय से तो पूछ लो रोशनी, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? हाँ, बोलो ना रोशनी। अब ना बहुत हो गया, मुझे तुमसे शादी करनी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, एक दूसरे के लिए बने नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।